साथियों, इस वक्त मैं जसमठ थाने में हूं और अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक यहाँ हुजूम पहुंच जाता है और आवाज़ तो हम एक नारे लगने लगते हैं। दिखाते हैं आपको क्या है आज इसमें। हम रहने नहीं देंगे और उनको सह दी गई है यहाँ रहेंगे ही। हम रहने नहीं देंगे ऐसे लोग। वो जोशीमठ वालों को बोल रहे कमरे में बिक गए। महाराज, ऐसा क्या हुआ कि अचानक जो इस समय इस कड़ाके के ठंड में आपको जो इस वक्त समय हो रहा है, हमारे हाथ भी काम चारों तरफ पर गिर भी रहे, 7:07 बज चुके हैं और अचानक से एक आप लोग थाने पहुंच गए। देखिए, आप खुद में ठेस पहुंची है। ठेस ऐसे पहुंची है कि एक गोविंदानंद नाम का व्यक्ति जो अपने आप को सन्यासी कहता है, वो यहाँ पर आ गया और आकर के उसने एक बयान दिया आज दोपहर में ईटीवी के साथ बातचीत में। उसने ये कहा कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी के विषय में अभद्र शब्द बोला और ये कहा कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी ने जोशी मठ के लोगों को 500 रुपया और बाटली दे करके अपना बना लिया है। जोशी मठ इस समय आपदाग्रस्त है। जोशी मठ का प्रत्येक व्यक्ति इस समय परेशान है। उसके पास घर में मकान में दरारें आ गई हैं। उसको खाने की समस्या है, उसको रहने की समस्या है। दिन रात जोशी मठ के लोग इकट्ठे होकर के एक दूसरे का सहयोग करते हुए किसी तरह से अपना काम कर रहे हैं। ऐसे समय में गोविंदानंद जैसे व्यक्ति इस तरह से बयान दे रहे हैं, हम लोग इकट्ठे होकर के आए हैं। जब तक गोविंदानंद कान पकड़ के लिखित रूप से माफ़ी नहीं मांगेंगे और आज ही रात गोविंदानंद को जोशी मठ की धरती से भगाया जाए, इतनी ही हमारी मांग है। जोशी मठ का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी भी परिस्थिति। महाराज, गोविंदानंद जी ये स्थानीय है या बाहर से आ रखे? कल वाले हैं। देखिए, ये बाहर से जब से आए। दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ। आप देखिए, कल जो है लिखित में माफी मांगने के बाद भी आज फिर एक उल्टा बयान दे दिया। क्या कुछ है? कुछ आपने कवरेज कर दी थी। जी हाँ, लिखित कल माफी मांगा इन्होंने। इन्होंने शंकराचार्य जी के लिए अभद्र बोला था, फिर अंदर कमरे में जाकर के पूर्व धर्माधिकारी जी और क्षेत्र के SHO हमारे भट्ट जी और प्रकाश कपरवान जी, इन तीनों के सामने उन्होंने नरसिंह भगवान से माफी मांगी। नरसिंह भगवान से जब माफी मांगी तो हमने माफ कर दिया। कल उन्होंने ये बयान दिया था कि यहाँ के सारे ब्राह्मण ऐसे हैं, सारे पुजारी ऐसे हैं, कुछ नहीं जानते, शंकराचार्य जी के लिए अभद्र कल बोल दिया, हमने माफ कर दिया। आज फिर उन्होंने ऐसा अपशब्द बोला कि 500 रुपये और बॉटल में क्षेत्र की जनता बिक जाए। मारा रोकना चाहूंगा। अभी उन्होंने कहा किसी, मैं भी सुन रहा था किसी चैनल पर ऐसा बोला है। महाराज, किसी टीवी चैनल से बोला है? ईटीवी को उन्होंने बाइट देते हुए बोला है। उसका वीडियो है हमारे पास, वो वीडियो हम आपको उपलब्ध करा देते हैं। ईटीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये। ठीक है, चलिए अभी आपको जो वीडियो सुना देता हूँ। आपके पास है किसी पर वीडियो? अविक्तेश्वरानंद जी तो कुछ दिन पहले आए थे, वार्डों का निरीक्षण किया, आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में हो गए थे। ये सभी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, ये सभी कुछ वक्ता लोगों को 500 रुपये दे दिया तो वहाँ जाकर बॉटल पकड़ लिया तो ये कर लिया तो जनरलों का सपोर्ट मिल जाता है ना। अभी उसको चाहिए थी जनरलों का सपोर्ट है, इसके लिए सभी मनमानी कर रही हैं। इसमें कुछ ये लोगों की नाटक हम बहुत पहले से ही जानते हैं। अरे, हमारे गुरुजी को ही द्रोह करके बेटा ये गोविंदानंद नाम का व्यक्ति जो जोशीमठ आकर के जोशीमठ की जनता के लिए अपमानजनक शब्द इसने कहा, उसने ये कहा कि जोशीमठ के लोग 500 रुपया और एक बाटल पे महाराज के समर्थन में आ गए हैं और ज्योतिष पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी के लिए कई सारे अपशब्द उस व्यक्ति ने बोला। जैसे ही शाम को हम लोगों ने उस वीडियो को देखा, जैसे ही हमने अपने लोगों को बताया, सब लोग आक्रोशित हुए और हम सब लोग यहाँ कोतवाली में आए। कोतवाली में थाना इंचार्ज श्रीमान भट्ट जी से हम लोग मिले। हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज किया, लिखित FIR दर्ज कराया, जिसमें सभी उपस्थित जितने भी लोग थे सबने हस्ताक्षर किया। आदरणीय थाना प्रभारी श्रीमान भट्ट जी ने ये हमको आश्वासन दिया है कि महाराज, आप सभी हमारे ऊपर विश्वास करके मठ चले जाइए। सुबह 10 बजे तक का समय हमको दीजिए, 10 बजे तक हम इस पे विशेष चर्चा करेंगे, समझेंगे पूरा कार्यक्रम इनका समझेंगे और लिखित रूप से इनसे माफ़ी मंगवाएंगे और फिर इनको यहाँ से बाहर भेजेंगे। जब उन्होंने ये आश्वासन दिया तो हमारे यहाँ के जो सभासद उपस्थित थे, यहाँ अमित सती जी,
वो उपस्थित थे, हमारे क्षेत्र के नरेशानंद नोटियाल जी, हमारे डिमरी जी, हमारे अनिल डिमरी जी, पुजारी जी शिवानंद नोटियाल जी, और किसका किसका नाम ले, वैभव सकलानी जी, आत्मानंद जी, असंख्य संख्या में लोग यहाँ उपस्थित थे। सब लोगों ने जब हमसे कहा कि आप थाना प्रभारी जी की बात मान लीजिए, सुबह 10 बजे तक का समय दीजिए, तो हम लोगों ने सुबह 10 बजे तक का समय दिया है थाना इंचार्ज महोदय को। हम थाना इंचार्ज महोदय से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि गोविंदानंद नाम का इस तरह का जो फर्जी व्यक्ति है, जो अनर्गल बयानबाजी शंकराचार्य पीठ के आचार्यों के लिए, और यहाँ तक कि जोशी मठ में जो दिन रात कार्य कर रहे हैं, जो परेशान हैं लोग, बिल्कुल सही बात, जो इतनी समस्याग्रस्त हैं, ऐसे समस्याग्रस्त लोगों के लिए इस तरह का अपमानजनक शब्द जिस व्यक्ति ने बोला, उसको जोशी मठ में की धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। 10 बजे तक हम लोग प्रतीक्षा करेंगे, उसके बाद अभी तो हमने किसी को नहीं बताया, तब इतने लोग उपस्थित थे, कल हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके हम उसको बाहर करके रहेंगे। ऐसा आदमी जोशीमठ में नहीं रह सकता, किसी भी हालत में नहीं रह सकता। महाराज, मैं अभी सुन रहा था कि जैसे लोग कह रहे हैं कि अभी आपने कहा कि हम लिखित में माफी मांगेंगे, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जैसे उन्होंने ऑन टीवी चैनल बोला है, उनका ये भी कहना है कि हम सेम उसी तरह बाबा की पहचान होनी चाहिए कि आदमी कौन है, कहाँ से नहीं। हम लिखित में और ऑन वीडियो में दोनों में माफी मांगेंगे, यही हमारी बात है। वो लिखित में माफी मांगे गोविंदानंद, उसके बाद उनको यहाँ से जाने दिया जाएगा और दोबारा कभी जोशीमठ की सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा। यही हमारे सब आप लिख के दे चुके हैं, हमने लिख करके एफआईआर दर्ज किया है, उन्होंने उसको रिसीव कर लिया, रिसीव करके क्या हो रहा है हमारे जोशीमठ के अंदर, जो है आस्था पे भी सवाल किया जाता है, हमारे गुरुजनों पे किस तरह से बोतल में पिकने वाली बात कह जाती है। देखिए, ये एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, केवल एक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का अपमान नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ निवास करता है, निवसते बद्रिकाश क्षेत्रे नारायण सदृशम, वो यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति एक आचार्य है, वो गिरी है, वो यहाँ का तोटकाचार्य है। उस व्यक्ति के खिलाफ अगर ऐसा अभद्र बात करना, वो किसी भी जाति संप्रदाय का हो सकता, वो जो यहाँ निवास करता वो नारायण के समान हो जाता है, और उनके लिए कहना यानी कि देवों के प्रति ही ऐसी भावनाएं व्यक्त करना, अगर वो इस प्रकार की व्यक्ति भावना को व्यक्त करते हुए इस जोशीमठ का माहौल खराब करना उसका अगर उद्देश्य है, तो इस आपदा की घड़ी में हम सब जोशीमठ के लोग जा करके कल 10 बजे तक का हमने उसको समय दिया है, और थाना अध्यक्ष जी ने भी हमें इस बात के पूर्ण आश्वस्त किया कि 10 बजे तक मैं उचित कार्रवाई करते हुए उसके साथ जो भी निर्णायक दंडात्मक कार्रवाई होगी वो करेंगे, और अगर वो नहीं होता है तो हम वाकई में आक्रोशित होकर के स्वयं में वहां जा करके उसको यहां जोशीमठ से भगाएंगे, और फिर दोबारा कभी वो जोशीमठ और ज्योतिर्मठ की सीमा में नहीं दिखना चाहिए। धन्यवाद। एक बाबा हमारे साथ में, आपकी उम्र 94 है, मैं पहले आपको सशस्त्र नमन करता हूँ कि आप इस कड़ाके की ठंड में बर्फ गिर रही थी, बारिश गिर रही है, और आप एकदम से भागते चले आ रहे थे, क्या कहें आप इस समस्या पर, कितनी दुखद घटना है। दुखद तो इतनी है कि मेरे गुरु आज इतने बड़े गुरु थे हमारे, स्वरूपानंद सरस्वती महाराज, जो उसको इंडिया नहीं फॉरेन कंट्री उनको प्रणाम करती थी। सर नमस्कार, जैसे कि कल एक प्रकरण हुआ था कि एक महात्मा जी ने जो है कुछ अपशब्द बोले, और आज ऑन रिकॉर्ड भी टीवी पर बोलते हैं किसी चैनल पर जो है, और कल खुद माफ़ी मांगी थी, तो आज एक कल एक शिकायत आई थी स्वामी जी की तरफ से, तो कि एक स्वामी जी जो नीचे मंदिर में रह रहे हैं उनके कि उनके द्वारा कुछ अशब्द किए बोले गए हैं, लेकिन कल कोई लिखित में नहीं दिया गया था, आज उस संबंध में उनके द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा महात्मा जी द्वारा पुनः अशब्द कहे गए हैं, जिस संबंध में उनके द्वारा काफ़ी लोग आए थे, और एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, प्रार्थना पत्र पर जाँच तुरंत की जाएगी, और जाँच के बाद अगर यदि दोषी हैं तो 100% जो भी सक्षम कार्रवाई वो की जाएगी।